दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका। बसारा मंदिर में हम गए थे, वहाँ पर मैंने अपनी बेटी जैज की पूजा करवाई थी, अक्षरभ्यासम का पूजा करवाई थी, विद्यारम्भ संस्कार करवाया था। इसके बारे में काफ़ी लोग भ्रमित हैं, खासकर जो नॉर्थ के लोग हैं या फिर अदर स्टेट के लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और जिनको पता चलता है कि बसारा मंदिर जाना है, वहाँ पर अपने बच्चे की पूजा करवानी है, तो वो भ्रमित रहते हैं कि उनको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कैसे जाना है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से वही चीज़ बताने वाला हूँ। और आपको और भी अधिक वीडियो मिलती वो तेलुगु भाषा में थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में छोटी सी एक डिटेल आपको दे देता हूँ। रास्ता जाने के लिए बहुत ही आसान है, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं और ऑन कार से भी जा सकते हैं। NH 44 से जाते हैं, गूगल बाबा की मदद से आप आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। हाईवे से उतरने के बाद कोई 30 या 35 किलोमीटर होता है जो कि आपको अंदर से कवर करना होता है। वहाँ की रोड भी इतनी बुरी नहीं है और अच्छी, आप आराम से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। जब वहाँ आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले गोदावरी नदी के पास आपको जाना है। जब मैं गया तो उस समय वहाँ पर पानी नहीं था, क्योंकि आगे कहीं डैम है, वो डैम से पानी छोड़ते हैं तभी वहाँ पर पानी आता है। थोड़ा कीचड़ है और आपको पता ही कि बड़े बड़े मंदिरों के आसपास थोड़ी गंदगी ज़्यादा रहती है, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता। वहाँ पर आप इसे अच्छा है कि आप पहले नहा करके आ जाए, और वहाँ अगर अभी पानी छोड़ दिया है मुझे ऐसा लगता है तो वहाँ पर आप नहा भी सकते हैं और या फिर छींटे लगा सकते हैं। एक हो जाता है कि ठीक है, हमने गोदावरी नदी के छींटे लगा लिए। वहाँ से थोड़ी दूर पर जाकर ही सरस्वती मंदिर है। सरस्वती मंदिर में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर मंदिर से पहुँचने से पहले आपको बहुत सारी दुकान मिल जाएंगी जहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाएगा जो कि आपको लेकर के जाना है। एग्जैक्टली क्या लेके जाना है वो मैं आपको भी बताऊँगा। एग्जैक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो ब्लैक बोर्ड होता है, तख्ती जिसे कहते हैं, इतना बड़ी जो होती है, वो लेकर जाना है। एक चौक लेकर के जाना है, थोड़ी सी हल्दी लेके जानी है और थोड़ी सी कुमकुम लेके जाना है और चावल लेके जाना है। आप 2 मुट्ठी चावल ले सकते हैं। एक छोटा सा कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा आप लेके जा सकते हैं, जैसे गमछी जिसे कहते हैं, या बच्चे को ऐसे डालने के लिए। और एक नारियल आपको लेके जाना है, बस एग्जैक्टली बस यही चीज़ आपको लेके जानी है। मैंने जब नेट पे पढ़ा तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि इतना सारा चावल लेके जाना है, मेरे ख्याल से 1 या 2 किलो चावल लिखा हुआ था, और 3 वो जो ब्लैक बोर्ड तो छोटे छोटे वो लेकर के जाने हैं, पेन लेके जाना है, कॉपी लेके जानी है। पर वहाँ पर ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। मंदिर में जब आप पूजा करेंगे तो सिर्फ आपको ये जो मैंने आपको पहले बताया ना, सिर्फ इन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मैंने यहाँ पर जो फ्लैश भी कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यही चीज़ों की आपकी वहाँ पर जरूरत होती है। तो आपने साथ आप लेके जा सकते हैं या फिर आप वहाँ पर दुकान से परचेज कर सकते हैं। वैसे वो पैकेट्स में भी देते हैं, आप अकेले भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती है जैसे कि आपको पता ही है। जब आप मंदिर के काउंटर पर पहुँचोगे तो वहाँ पर 2 तरह की पर्ची कटती है, 1000 रुपीज़ की और 100 रुपीज़ की। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो 1000 रुपीज़ की जो पर्ची कटेगी वहाँ, वो पर्ची की माध्यम से, मतलब उस पर्ची की हेल्प से आप अपने बच्चे को मंदिर के बीच में लेकर बैठा सकते हैं और वहाँ पर पूजा होती है। कैसे? देखिए, जब आपने 1000 रुपये की टिकट ली, उसके बाद आप लाइन पे लगेंगे। लाइन पे लगने के बाद आप सरस्वती मंदिर जो बसारा में है वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली मंदिर सरस्वती माता के बिल्कुल सामने बैठेंगे और वहाँ पर लगभग एक बार में कोई 20 से 30 फैमिली साथ में बैठ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के साथ माता और पिता को ही अलाउड किया जाता है, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसकी एक बहुत ही मिनिमल फ़ीस है, मेरे ख्याल से 100 रुपये फ़ीस है, वो देकर के आप अंदर के जा सकते हैं। तो वहाँ पर 20 से 30 फैमिली एक साथ बैठ जाती है, बिल्कुल सामने आपके बच्चे जहाँ या जहाँ बैठेंगे उसके सामने 2 पंडित जी बैठे रहते हैं। वो पंडित जी वैसे तो तेलुगु में ही सारी चीज़ बताते हैं, लेकिन आपको आसपास पूछने से पता चल जाएगा, लेकिन जो मंत्रों को उच्चारण करते हैं वो संस्कृत में करते हैं। तो जब वो मंत्रों को उच्चारण करेंगे तो आपसे भी करवाएंगे, तो आप मंत्रों को उच्चारण करेंगे और आप बस आपको जो आप लेकर के गए सामान वो धीरे धीरे, पहले मान लीजिए, हाँ, एक फूल माला और लेके जाना है आपको। तो आपको क्या करेंगे कि आपको जो प्लेट आप लेके गए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप थोड़े से चावल रख लेंगे, फिर उसके बाद वो आपको माला रखवाएंगे। माला रखवाने के बाद फिर उस चावलों में थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा हल्दी मिलवाएंगे, और जो कपड़ा है उसको बच्चे के यहाँ पर फूल माला को और कपड़े को फिर बाद में यहाँ आपके यहाँ पर पहनवा देंगे, और बस उसके बाद पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद पंडित जी एक बार, जो दोनों बैठे हैं, दोनों में से किसी भी एक बार पंडित जी, आपको जाना है उन पंडित जी के पास, और वो आप जो बच्चा है उसको अपनी गोद में बैठा करके, और अक्षरभ्यासम यानी कि जो आप ब्लैक बोर्ड छोटा वाला लेके गए हैं उसमें स्लेट से कुछ भी, जैसे ओम नमः शिवाय या श्री, कुछ भी उसके हाथ से लिखवा देंगे और बस पूजा हो गई। भाई ये पूजा है,
उसके बाद आप वहाँ से निकलेंगे और जो बैरियर लगे होते हैं, जैसे ये सरस्वती माता का मूर्ति है, सरस्वती माता की, इसके बीच में आप बैठते हो और इसके साइड साइड में बैरियर लगे होते हैं, तो आपको बस यहाँ से पूजा करवाने के बाद बैरियर से निकल के जाना है, सरस्वती माता की मूर्ति के सामने भगवान से प्रार्थना करनी है और बस बाहर आ जाना है। ये 1000 रुपये की टिकट का है। जो 100 रुपये की टिकट कटवाते हैं वो जहाँ पर टिकट काउंटर है उससे थोड़ी सी आगे, यानी कि जहाँ से आप एंट्रेंस लेंगे वहीं पर ही एक बहुत बड़ा हॉल है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वहाँ भी 2 पंडित बैठते हैं और वही सब काम करते हैं जो बच्चों से करवाया जाता है, और सीधा वही पूजा करवाएंगे। बस उसके बाद आपको मंदिर में आना है। अगर आप मंदिर में पूजा करवाने के लिए आते हैं, यानी कि अगर आप अक्षराभ्यासम के लिए आते हैं, तो आपको वो 1000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ प्रे करने के लिए आ रहे हैं तो आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एंट्री है। तो वो जो हॉल में जो 100 रुपये में पूजा करवाई, 100 रुपये में पूजा करवाने के बाद आप मंदिर में आ सकते हैं और दर्शन करके जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मेरे को मंदिर के बीच में बैठना है, सरस्वती माता के मंदिर जहाँ पर स्थापित किए गए वहाँ बैठना है, तो आप 1000 रुपये की फ़ीस दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप 100 रुपये दे करके बाहर पूजा करवाने के बाद अंदर आकर दर्शन भी कर सकते हैं। बस ये पूजा आपकी हो जाती है। ये पूजा होने के बाद एक सुख शांति मिलती है आपको, और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारे इस हिंदू समाज में एक संस्कार है, वो आपने संस्कार पूरा कर लिया। और उसके बाद आप घर पे आ सकते हैं। जो आपको एक नारियल मिला है, वो नारियल आपको आगे चलकर देना होगा। जैसे आप मंदिर से थोड़ा बाहर निकलेंगे पूजा करने के बाद, वहाँ पर एक बंदा खड़ा रहता है, वो नारियल 2 हिस्से करता है, एक हिस्सा अपने पास रख लेता है। मुझे पता नहीं चला क्या वो, मैंने पूछा भी लेकिन उसने सही से जवाब नहीं दिया। और एक जो उसका आधा टुकड़ा है वो आपको मिल जाता है। जो चावल जो वहाँ पूजा में इस्तेमाल हुए थे, वो चावल आपको अच्छे से वॉश करने के बाद आप उसको चावल को मीठा बना सकते हैं, और मीठा बनाकर आपस में जो माता पिता हैं, भाई बहन जो घर में है, उनको आप खिला सकते हैं। बस ये पूजा आपकी संपन्न हो जाती है। इस पूजा में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इतनी दूर मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर पूजा करेंगे, तो एक आस्था आ जाती है, एक अंदर आपके विश्वास हो जाता है, और वही विश्वास आपको शायद आगे चलकर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा कामयाब बना सकता है। तो अगर आप तेलंगाना के आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर एक बार उस मंदिर में जाइए। काफ़ी अच्छा मंदिर है, आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ। और बाकी तो आपके बच्चे के कर्म के ऊपर है और हमारे बच्चे के कर्म के ऊपर है क्या करेगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से ऐसे ऐसे जगह पर अपने बच्चों को जरूर लेके जाना चाहिए, ताकि उनको जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में पता चले। और सरस्वती माता के सामने बैठने से हो सकता है कि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, इतने सारे बच्चों को देखने से पॉजिटिव एनर्जी आए। आज के इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय।